सब्सक्राइब करें ANT नेशनल, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट जिसमें भारतीय तीरंदाजी टीम ने रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर किया। भारत का नाम रोशन करने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाली गांव उमरा की तीरंदाज हेमानी मलिक के हांसी पहुंचने पर श्री काली देवी मंदिर के सामने स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में समाज सेवी व खेल प्रेमी प्रेम सिंह मलिक ने भव्य स्वागत किया। ये बैंकॉक थाईलैंड में था और हमने कजाकिस्तान और चाइना की टीम को हराया है और सिल्वर मेडल आया। भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच मनजीत सिंह मलिक ने बताया कि हिमानी को खुली जीप में बैठाकर प्रेम मलिक के निवास स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रेम मलिक की धर्मपत्नी सुनीता मलिक ने हिमानी को पुष्पमालाएं पहनाकर 2100 रुपये की भेंट की। ये टूर्नामेंट जो थी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट थी और आने वाले जो ओलंपिक गेम होने हैं उसके लिए भी वर्ल्ड रैंकिंग था। ये इसमें हमारी इंडिया की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, एक मजबूत चाइना की टीम और कजाकिस्तान की टीम को हरा के। सात बास की दान बान शान हिमानी एशिया कप में जो सिल्वर मेडल लेके आई है, ये पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसने पूरे हल्का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। प्रेम सिंह मलिक ने बताया कि गांव उमरा सुल्तानपुर खेलों के कुंभ बन गए, जहां से लगातार हर साल खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करते गए। यह गांव खिलाड़ियों की नर्सरी बन चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गांव उमरा को खेल गांव घोषित किया जाए तथा यहां पर खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए, इससे हमारा देश ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक पदक ला सके। देखिए, ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारा सात बास की बिटिया सिल्वर मेडल लेके आई है और इस ग्राउंड में अभाव होते हुए भी कोच साहब के जो प्रयास रहे हैं और हमारे बच्चों की जो मेहनत रही है वो वर्ल्ड लेवल पे हम छाए हुए हैं। उमरा गांव एक खेलों का हब बन गया है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी बच्चे और अच्छा करते हुए बहुत ही निखर के आएंगे और हमारे हरियाणा ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते मेरे अंदर एक जज्बा है कि खिलाड़ियों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकें। मैं अपनी कोशिश करता हूं कि जहां भी खेलों के मैदान में मेरी ज़रूरत होती है मैं हर समय अपने आप को वहां पाता हूं। सर, खिलाड़ियों को कोई जो आने वाले हैं या जो अभी खेल रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स के बारे में? सर, हाँ, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को छूट दें, आगे बढ़ने का मौका दें और उनके ऊपर विश्वास करें। और मैं समझता हूँ कि मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे बहुत अच्छा और करेंगे और बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे और मेहनत करें और मेहनत को एक जज्बे में तब्दील कर दें और कोई भी आपकी रुकावट आपके बीच में बाधा नहीं बनेगी और आप वर्ल्ड लेवल पे छा जाएंगे। इस दौरान प्रेम सिंह मलिक ने हिमानी मलिक को पुरस्कार स्वरूप 31,000 रुपये की राशि से सम्मानित किया तथा उनके पिता बलजीत मलिक को शाल पहनाकर सम्मानित किया एवं कोच मनजीत सिंह मलिक को ट्रैक सूट पहनाकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर वन वेब चैनल ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही। देखिए कौन बनेगा MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ ANT।